2014 के पहले की जितनी भी परेशानियां थी, जितनी भी चुनौतियां थी, हमने एक एक करके उनके समाधान के रास्ते तलाशे हैं। हमने एनपीएस की समस्या को एड्रेस किया, बैंकों को रिकैपिटलाइज किया, उनकी ताकत को बढ़ाया, हम आईबीसी जैसे रिफॉर्म्स लाए, अनेक कानूनों में सुधार किए, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल को सशक्त किया। कोरोना काल में देश में एक डेडिकेटेड स्ट्रेस एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल का गठन भी किया गया। इन्हीं फैसलों से आज बैंकों की रिजोल्यूशन और रिकवरी बेहतर हो रही है, बैंकों की स्थिति मजबूत हो रही है, और एक इनहेरेंट स्ट्रेंथ उसके भीतर पाई जा रही है। सरकार ने जिस पारदर्शिता और प्रतिबद्धता के साथ काम किया है, उसका एक प्रतिबिंब बैंकों को वापस मिली राशि भी है। हमारे देश में जब बैंकों से कोई उठा के भाग जाता है तो चर्चा बहुत होती है, लेकिन कोई दम वाली सरकार वापस लाती है तो इस देश में कोई चर्चा नहीं करता है। पहले की सरकारों के समय जो लाखों करोड़ रुपए फंसाए गए थे, उनमें से 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की रिकवरी की जा चुकी है। हो सकता है आप उस लेवल के लोग बैठे हैं, आपको 5 लाख करोड़ बहुत बड़ा नहीं लगता होगा। क्योंकि जिस प्रकार से एक सोच बनी हुई थी, यहां बैठे हुए उन लोगों की नहीं होगी ऐसा मुझे पूरा पक्का विश्वास है, लेकिन एक सोच बनी हुई थी, बैंक हमारी ही है, बैंक में जो है वो भी हमारा ही है, वहां रहे या मेरे यहां रहे क्या फर्क पड़ता है। और जो चाहा वो मांगा, जो मांगा वो मिला, और बाद में पता नहीं था कि 2014 में देश निर्णय कुछ और कर देगा। सारी स्थितियां साफ हो गई हैं।